नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ए विद्या चैनल, चैनल नंबर 10। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज हम ये सत्र लेकर आए हैं सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में। सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सॉयल एज अ रिसोर्स, यानी कि मृदा एक संसाधन के रूप में, और किस तरह से मृदा एक संसाधन हो सकती है और किस तरह से उसे रिसोर्स माना जा सकता है, आपको बताया जाएगा हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस्टर कुलप्रीत सिंह, आप पीजीटी ज्योग्राफी है नवयुग स्कूल विनय मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम सर, नमस्ते। थैंक यू जी। और स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता चला है हमारा टॉपिक, आप मिल चुके हैं हमारे एक्सपर्ट से। अब अपनी कोई भी क्वेरी हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, आप अपने प्रश्नों से हमारे विशेषज्ञ को अवगत करा सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि इससे पहले हम ये सत्र शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023, अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म। India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session jisme hum baat karenge soil as a resource is topic pe jo ki social science ke 10th standard ke students ke liye. To sir hum bina kisi deri ke seedhe hum aapke paas aate hain aur sabse pehle hum aapse janna chahenge ki soil kis tarah se ek resource hai aur iski importance kya hai sir, what is the importance of soil sir? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सॉइल, जो कि लार्जली एक लैंड रिसोर्स का ही पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लैंड रिसोर्स। सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ह्यूमंस के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि हमारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो फूड रिक्वायरमेंट्स है, क्लोथ रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो मोस्टली सॉइल से ही पूरी होती है। इसलिए सॉइल हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि सारा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, जितनी भी प्रोडक्शन है, चाहे वो फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल्स की हो, सीरियल्स की हो, या किसी भी कमोडिटी की हो, वो सब की सब सॉइल से ही प्रोड्यूस होंगे। अब सॉइल जिस कंट्री के अंदर, सॉइल एरिया, जैसे इंडिया का अगर हम देखते हैं तो इंडिया हमारे पास वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, लेकिन हमारे पास लैंड फर्टाइल लैंड जिसको हम जो कि डिपेंड करती है कि सॉइल कैसी है वहां पे, तो वो सॉइल के ऊपर ही, उस सॉइल की फर्टिलिटी ही हमारा एक रीजन है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की फॉर्म में। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें सॉइल की अवेलेबिलिटी पे और उसकी फर्टिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। हमारे पास पूरा काफी बड़ा एरिया हम कंट्री का, अपने कंट्री का कह सकते हैं कि जो सॉइल से है, जिसमें कि सॉइल्स अवेलेबल हैं, और उसी वजह से हमारा प्रॉस्पेरिटी भी है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी भी है। जी जी, तो ये तो बात हुई लर्नर्स के किस तरह से सॉइल एक रिसोर्स के तौर पे देखा जा सकता है और कितना इम्पॉर्टेंट है सॉइल। सर यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे सॉइल के बारे में, अगर हम अपने देश की बात करें तो डू वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ सॉइल, और यहाँ या फिर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की वेराइटी है सर? नहीं, सॉइल, देयर आर लार्ज वेराइटीज ऑफ सॉइल दैट आर फाउंड इन आवर कंट्री। हम उनको ब्रॉडली करीब करीब 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज के। First and the foremost important is the soil, alluvial soil. Alluvial soil एक ऐसी soil है जो कि rivers के द्वारा sediments के deposition से बनती है। In fact, this is one of the most fertile soil. सबसे ज्यादा fertile soil alluvial soil है, और वो उसके अंदर productivity सबसे ज्यादा है। लेकिन इस soil की दूसरी soil से एक difference ये है कि ये आपका सॉइल उस एरिया में नहीं मिलेगी जिस एरिया में पेरेंट रॉक है, क्योंकि इस सॉइल की पेरेंट रॉक जो है वो बेसिकली माउंटेन्स के अंदर है,
और रिवर्स जो है वो अब जब माउंटेन से नीचे उतर कर आती है, उन फ्लो करती हुई आती है, तो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आती है। प्लेन एरियाज के अंदर जब वो पहुंच जाती है तो उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। तो इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जो सॉइल फॉर्मेशन होती है उसको हम एलुवियल सॉइल बोल देते हैं। अब जैसे हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, पूरा का पूरा नदन प्लेन इज फॉर्म्ड बाय दीज थ्री बिग रिवर सिस्टम्स। ये तीन बड़ी नदियां अपने साथ बहुत सारा मिलियंस ऑफ इयर्स तक डिपॉजिट लाती रही हैं और वो डिपॉजिट करती रही, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नदन एरिया, जो नदन प्लेन जिसको हम बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान जिसे कहा जाता है, वो पूरा का पूरा इस एलुवियल सॉइल से बना हुआ। एलुवियल सॉइल जो है इट कंटेन्स वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी ज्यादा है। अब इस पे हम बेसिकली जिन एरियाज में फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग होती रहती है, बाढ़ आती रहती है, उस एरियाज में एलुवियल जो है डिपोजिशन हर साल नया होता रहता है, तो उसको हम न्यू एलुवियम बोल देते हैं। और जिन एरियाज में जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊंचे के एरियाज हैं, वहाँ फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है, तो उन एरियाज में ओल्ड एलुवियम सॉइल मिलती है। तो सॉइल जो बेसिकली एलुवियम सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन के अलावा सदर्न एरियाज के अंदर भी जो चार बड़ी नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, इनके जो डेल्टाइक एरियाज हैं उनके अंदर भी हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। अब एलुवियल सॉइल इज नोन फॉर इट्स फर्टिलिटी, और इससे क्या है कि इसके अंदर पोटाश का कंटेंट्स ज्यादा होता है, फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा होता है, लाइम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। एलुवियल सॉइल के बाद हमारे पास जो दूसरी सॉइल आती है वो आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल एक तरह से, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसका रंग थोड़ा सा काला होता है, इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है और कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, ग्राउंडनट की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड सॉइल है, इसी वजह से इसको हर जगह प्रेफर किया जाता है। तो ये क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल, क्ले मटीरियल फाइन होने की वजह से इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, इट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी वजह से ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल का जो बेसिकली ओरिजिन देखें हम, तो ये वॉल्केनिक सॉइल है, जो वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं उनकी जो आपके इरोजन से या उनकी वेदरिंग से जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, उसी वजह से ये ब्लैक सॉइल बनती है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है हमारी, ये हमारे पेनिनसुलर पार्ट के अंदर ज्यादा मिलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ एरिया, ये एरियाज के अंदर हमारे पास ब्लैक सॉइल, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट, उसमें हमारे पास ब्लैक सॉइल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ब्लैक सॉइल के बाद एक सॉइल और आती है जो कि बाकी पेनिनसुलर एरिया में मिलती है, जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं या येलो सॉइल भी बोला जाता है। एज द नेम सजेस्ट, इसका कलर रेडिश ब्राउन से लेके येलोइश ऑरेंज तक होता है। ये जो सॉइल है ये भी वॉल्केनिक सॉइल है, बट इसके अंदर क्योंकि इसका रेड कलर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन या आयरन फॉर्मेशन ज्यादा होता रहा है, और इसी वजह से ये सॉइल एज उसकी उसमें चलती रही है। हमारे पास जो बेसिकली ब्लैक सॉइल जो एरियाज हैं वो उड़ीसा, यानी ये जो ब्लैक सॉइल के चारों तरफ जो एरियाज आपको मिलते हैं उसमें आपके पास ब्लैक सॉइल के साथ साथ रेड सॉइल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो ये हमारे बेसिकली रेड सॉइल वाला एरिया आ जाता है। कंपैरेटिवली इसकी फर्टिलिटी ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल से कम होती है, बट इट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर या दूसरी फर्टिलाइजर्स वगैरह इसमें ऐड करके हम इसको फर्टिलाइज, यानी ज्यादा और ज्यादा फर्टाइल बना सकते हैं। रेड और येलो सॉइल के बाद हमारे पास आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का मतलब ये एक लीचिंग प्रोसेस है। लीचिंग प्रोसेस का मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं। नॉर्मली लेटराइट सॉइल उस एरिया में मिलती है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, तो इस वजह से लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन वहां होता रहता है। अधिक रेनफॉल होने की वजह से उसके अंदर जो उतने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ वॉश आउट हो जाते हैं, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेटराइट सॉइल is comparatively less fertile soil, but again it has a quality, क्योंकि ये generally उस areas में पाई जाती है जहां पर forest cover ज्यादा है।
फॉरेस्ट कवर ज्यादा होने की वजह से उस एरिया में आपके पास जो लीव्स का डिपोजिशन या नेचुरल जिसको बोल सकते हैं मैन्योर, पत्ते गिरते रहते हैं, तो उनकी वजह से मैन्योर इसमें ऐड होता रहता है। तो इसके लिए ये सॉइल की ये क्वालिटी होती है कि ये फर्टिलिटी को वो रीगेन भी जल्दी कर ले। कल्टीवेशन के लिए जहां इसको कल्टीवेट किया जाता है वहां पर हम इसको फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स डालकर इस सॉइल को फर्टिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज, उड़ीसा वगैरह के उन एरियाज में हमारे पास लेटराइट सॉइल मिलती है। नॉर्मली जैसे मैंने शुरू में बताया, ये वहां पाई जाती है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। लास्ट में जो हमारे पास एक कैटेगरी आती है वो है एरिड सॉइल, एरिड ड्राई, नाम से ही पता लग रहा है कि सॉइल कैसी होगी। इसके अंदर सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और ये नॉर्मली डेजर्ट एरियाज के अंदर, राजस्थान के अंदर, ड्राई एरियाज के अंदर, उस एरियाज के अंदर एरिड सॉइल मिलती है। अब एरिड सॉइल में जनरली इसका सैंडी टेक्सचर होता है और इसकी नेचर जो है वो सलाइन हो, थोड़ी सी नमकीन सी जिसे बोलते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इस सॉइल के अंदर ज्यादा होता है। इसकी बॉटम लेयर जो होती है उसमें कंकर्स का या जिसको हम बोल सकते हैं उनका प्रोपोर्शन, पेबल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स के साथ इस सॉइल को भी कल्टीवेशन के लायक बनाया जा सकता है, इसमें भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो मैम हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, मेनली ब्रॉडली ये 5 वेराइटीज ऑफ सॉइल मिलती हैं, क्योंकि इंडिया एक छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में एक साथ एक जैसी वेराइटी सॉइल की मिलना एक तरह से असंभव है। इसलिए क्या है, अलग अलग एरियाज में क्योंकि नेचुरल कंडीशन अलग है, रॉक टाइप्स अलग है, वेदर कंडीशन अलग है, तो इनके अंदर अलग अलग वेराइटीज की सॉइल मिलती है। सॉइल का अगर हम बनने का प्रोपोर्शन देखें तो सॉइल के बनने के प्रोपोर्शन में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और पेरेंट रॉक्स जो है वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होती है जिन रॉक्स से वो सॉइल बन रही है। तो इसलिए सॉइल्स की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, किस कंटेंट के अंदर वो रिच होगी, किस कंटेंट के अंदर वो पुअर होगी, पोटाश में रिच होगी या लाइम में पुअर होगी, या कैल्शियम का प्रोपोर्शन उसके अंदर कितना होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है उसके पेरेंट रॉक्स के ऊपर, जिस पेरेंट रॉक से उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। जी तो सर, ये तो आपने बताया कि हमारे पास अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो बड़ा बड़ा हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं सॉइल की, मृदा की। और क्योंकि हमारा ये जो हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की सॉइल्स मिलते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर सॉइल की हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे अलूवियल सॉइल की बात करें, तो आप प्लीज़ हमारे सभी लर्नर्स और व्यूवर्स को बताइए कि ये किस तरह से बाकी टाइप्स ऑफ सॉइल से अलग हैं। सर अलूवियल सॉइल, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को अगर हम देखें, बाकी सॉइल्स जितनी भी है, चाहे वो ब्लैक सॉइल है, चाहे वो रेड सॉइल है, चाहे वो हमारी येलो सॉइल है, एरिड सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल, नॉर्मली ये सॉइल्स वहां मिलती हैं जहां पर इनकी पेरेंट रॉक्स भी वहीं अवेलेबल है, इनकी पेरेंट रॉक्स भी उसी एरिया में पाई गई है और उसी के वेदरिंग प्रोसेस के टूटने की वजह से, उसी के पाउडर फॉर्म होने की वजह से, चूरे की वजह से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन एलुवियल सॉइल में एक स्पेशलिटी है, हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी अलग है। वो अलग इस वजह से है कि उसका जो पेरेंट फॉर्म जो रॉक है वो उस एरिया में नहीं मिलता, उस जगह पे नहीं मिलता जिस जगह पे वो सॉइल मिल रही। वो सॉइल जैसे हमारा अगर हम देखें, हम नदन प्लेन की हमने एक एग्जांपल कोट किया था, या सदन डेल्टाइक एरियाज में हमने एक एलुवियल सॉइल का देखा था कि इस एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब अगर हम नदन प्लेन का एक एग्जांपल को लेकर कोट करें, तो नदन प्लेन में जो सॉइल है वो 3 बड़ी रिवर सिस्टम्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़े रिवर सिस्टम्स के सेडिमेंटेशन प्रोसेस के डिपोजिशन से बना है। अब सेडिमेंट्स तो रिवर्स कहीं से लाती नहीं, जहां से वो फ्लो करके आती नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा को लेते हैं, तो गंगा गंगोत्री से निकल रही है, गंगोत्री से निकलने के बाद वो बहुत सारे हरिद्वार के आसपास से प्लेन एरिया से बहती हुई, तब जाके वो मैदानी इलाकों के अंदर आए।
तो मैदानी इलाकों में आने के बाद उसकी जो स्पीड है स्लो हो जाती है, जिससे कि डेपोजिशन शुरू हो जाता है, सेडिमेंट्स का डेपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन होता चला जाता है। तो यहाँ एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो है वो एक ही है कि इसकी पेरेंट रॉक इस सॉइल की अवेलेबिलिटी वाली जगह से काफी दूर है, जो कि माउंटेन्स में हो सकती है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर, हिमालय के अंदर हो सकती है, और सॉइल हमको नॉर्दर्न प्लेन में मिल रहा है। बाकी सॉइल्स के साथ ऐसा नहीं है, बाकी सॉइल्स वहीं मिल रही है जहां उसकी पेरेंट रॉक्स, राइट, जैसे ब्लैक सॉइल वाला एरिया देख रहे हैं, तो वो जहां वॉल्केनिक सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, उन्हीं वॉल्केनिक रॉक्स के से ही वॉल्केनिक सॉइल बनी है, ब्लैक सॉइल बनी है। तो इस तरह से हमारी एलुवियल सॉइल जो है वो अलग टाइप की सॉइल है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन एक अलग प्रोसेस से हुआ है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हुआ है, जो सेडिमेंट्स वहां डिपॉजिट होते चले। जी, तो सर ये तो बात हुई एलुवियल सॉइल की। अगर हम आपसे अब बात करना चाहें सॉइल इरोजन के बारे में, तो आप प्लीज़ हमारे सभी लर्नर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या होता है और किस तरह से हम जो सॉइल को एज अ रिसोर्स हम कंजर्व कर सकते हैं। सर जी, अगर हम देखें कि सॉइल इरोजन होता क्या है, जी, या सॉइल इरोजन जिसको हम देखते हैं, soil erosion is basically the denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion. जो ऊपर का हमारा सबसे fertile cover है, soil के ऊपर का जो सबसे topmost layer है, वो सबसे ज्यादा fertile है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो direct nitrogen के touch के अंदर है, air के साथ touch होती रहती है, जिससे कि nitrogen उसको proper amount में मिलती रहती है। अब ये जो ऊपर की layer है, जिसको हम top layer बोलते हैं या top soil बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। लेकिन होता क्या है कि जब अगर ये सॉइल लूज रह जाती किसी भी रीजन की वजह से, जैसे मोस्टली जो सॉइल इरोजन आज की डेट में हो रहा है वो ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इनकी वजह से क्या हुआ कि सॉइल का जो टॉप लेयर है वो लूज हो गया है, वो एक तरह से फ्री हो गया है। अब होता क्या है, जब बारिश आती है या तेज हवा चलती है तो उसके साथ पानी के साथ मिट्टी बह के चली जाती है, तो जो टॉप लेयर हमारे लिए फर्टाइल लेयर थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर थी, वो वॉश आउट हो रही है, वो बह के चली जा रही है। हमें इसको रोकना है, इसके लिए कई नेचुरल फैक्टर्स भी, ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन ह्यूमन से हुआ, नेचुरल फैक्टर्स भी इसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे विंड, वाटर और ग्लेशियर्स, या सॉइल जिसको आप फ्लडिंग बोलते हैं, बारिश फ्लड का आना, इससे भी सॉइल इरोजन होता रहता है, बट इसका प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम है, ह्यूमंस एक्टिविटीज ज्यादा है, ओके, ह्यूमंस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, हम लोगों की वजह से ही सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, सॉइल का डेनुडेशन ज्यादा हो रहा है, और इस वजह से टॉप लेयर बह के जा रही है। अगर पानी एक पर्टिकुलर चैनल में बह रहा है, जैसे कि रेनी सीजन में अक्सर होता है कि पानी एक नदी नाले या छोटे छोटे रिवराइंस की फॉर्म में बहना शुरू कर देता है, तो वो वहां से मिट्टी को काटता चला जाता है, जिसको हम बोल देते हैं गली इरोजन। और जब ऊपर की पूरी शीट बह जाती है तो उसको बोल दिया जाता है शीट इरोजन। तो ये दो टाइप्स के इरोजन है जो पानी अक्सर हमारे लैंड के साथ यानी सॉइल के साथ करता रहता है। और इससे क्या होता है, अब ऊपर की वॉश इंपॉर्टेंट लेयर जो कि फर्टाइल लेयर थी वो वॉश आउट हो गई, बह गई, अब हमारे पास सॉइल जो बची है वो नीचे वाली लेयर बची है जो कि कंपैरेटिवली इनफर्टाइल है, जिसको फर्टाइल होने में सॉइल होता है, सॉइल को फर्टाइल होने में समय लगता है। सॉइल की एक और क्वालिटी भी है कि ये इट कैन रिगेन मॉइस्चर या इट कैन रिगेन इट्स फर्टिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक तरह से हम इसे देखें तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाए, यानी ये अपने आप को फर्टाइल कर देता है कुछ समय जी, में जी जी बिल्कुल। अगर हम उसको छोड़ दें, कोई कल्टीवेशन ना करें, उसके ऊपर घास उगने दें या उसको अपने नेचुरल कंडीशंस के अंदर छोड़ दिया जाए, तो उसके अंदर उसके कंटेंट्स जो उसके न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए होते हैं वो अपने आप रीगेन कर लेगी। लेकिन हम उसको नॉर्मली खाली छोड़ते ही नहीं, क्योंकि खेतों में खाली छोड़ देंगे तो फिर हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि हम सॉइल के ऊपर सॉइल रिसोर्स को पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं, उससे पूरी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, इस वजह से भी हम सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर डाल के, आर्टिफिशियली उसको फर्टिलाइज करके, मैन्योर डाल के, कुछ भी करके हम उससे कल्टीवेशन करते ही करते हैं।
अब ये जो फर्टिलाइजेशन या ये सब हमारे जो तरीके हैं जिससे हम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल्स बोल सकते हो, इससे भी सॉइल का डेग्रेडेशन होता है, इससे भी सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है, डिटीरियोरेट होता चला जाता है। ऊपर की टॉप लेयर जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर थी वो डिटीरियोरेट होती चली जाती है। अब सॉइल इरोजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सॉइल इरोजन तो हो रहा है, अब इसको रोका कैसे जाए, क्या किया जाए, ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जाएं कि जिससे हमारा सॉइल का इरोजन ना हो, जो टॉप लेयर फर्टाइल लेयर है उसको हम संभाल सकें, उसको हम रोक सकें। तो बहुत सारे ऐसे जिनको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेटिव मेथड्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स एडॉप्ट किए गए। कुछ मेथड्स का मैं जिक्र यहां करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो प्लॉइंग इन कंटूर लेवल्स, कंटूर लेवल्स मीन्स हिली एरियाज में आपने देखा होगा कि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, स्टेप्स वाले फॉर्म्स बने होते हैं, तो जो स्टेप्स वाले फॉर्म्स हैं वो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए खेतों के चारों तरफ हम छोटी सी मेड बना देते हैं, बंडिंग जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा बंद बना दिया जाता है चारों तरफ, जिससे कि पानी जब बहे तो उसका फ्लो रुक जाए, फ्लो रुकेगा तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाए हुए हैं उन सेडिमेंट्स को वहीं डिपॉजिट कर देंगे। तो बंडिंग भी एक प्रोसेस है जिससे कि हम सॉइल के साथ पानी को, यानी पानी के साथ जब सॉइल बह के जा रही होती है तो उसको रोकते हैं। फिर कुछ स्टेप्स हम सॉइल स्लोप्स की टेरेस फार्मिंग करें, या हम उस एरिए को जिसे बोलते हैं हम फॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन करें, उसमें वेजिटेशन कवर लगा, क्योंकि वेजिटेशन कवर एक नेचुरल तरीका है सॉइल की इरोजन को रोकने। घास या पेड़ पौधे इनकी जड़ें सॉइल को पकड़े रहती हैं, होल्ड कर रही है, और होल्ड करने की वजह से क्या होता है कि जब पानी बह के आ रहा है, रेनी सीजन में पानी बहेगा तो पानी के साथ सॉइल नहीं जाएगा। तो घास का कवर, वेजिटेशन कवर या प्लांट्स ट्रीज, ये इन सब के भी हम प्रेफरेंस दें, इनको उगाएं ताकि सॉइल का जो एक्सपोज ना रहने दिया जाए, कहीं पर भी उसको लूज ना छोड़ा जाए, उसको खाली ना छोड़े। अगर हम उसको खाली छोड़ेंगे तो वो उसमें से पॉसिबिलिटी है कि वो वॉश आउट हो जाए। जी तो सर, ये तो आपने बताया कि सॉइल किस तरह से इरोजन की तरफ जाती है, किस तरह से उन्हें आप बचा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी तकरीबन 5 मिनट का समय और शेष है, कुछ और ऐसी बातें जो आप हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें। जी, सॉइल का जो बिंग आपको पर्टिकुलरली क्लास 10th के स्टूडेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे देखना होता है, एक मैप के ऊपर किस एरिया के अंदर कौन सी सॉइल मिलती है। तो सॉइल बेसिकली क्या है, आप उसका एक सीधा रिलेशन देखिए कि उसको इसको लिंक करिए कि आपकी सॉइल की फॉर्मेशन वाली जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, वो किस तरह की। जैसे जो हिमालयाज एरियाज है हमारा सारा का सारा नदन वाला, उस एरियाज के अंदर माउंटेनियस सॉइल मिलेगी क्योंकि वो माउंटेनियस वाला एरिया है, वहाँ माउंटेन वाली सॉइल मिलेंगी। दूसरा जो उसके बाद जो प्लेन एरिया आता है, नदन एरिया, उस नदन प्लेन के अंदर तो पूरे के पूरे प्लेन के अंदर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी क्योंकि वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनाया, मैंने आपको बताया कि वहाँ रिवर्स के द्वारा लाई गई सेडिमेंट से ये प्लेन की फॉर्मेशन हुई। असम से लेकर पूरा पंजाब तक आप इस प्लेन के अंदर आप एलुवियल सॉइल वाले एरिया को मार्क कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ब्लैक सॉइल का एरिया। अब ब्लैक सॉइल का एरिया आपको मार्क करना है मैप के अंदर, तो आप ये देखें कि वॉल्केनिक एरियाज यानी वॉल्केनिक रॉक्स कहाँ है। हमारी कंट्री के अंदर वॉल्केनिक एज सच कोई बड़ा वॉल्केनो नहीं है, क्योंकि जो पेनिनसुला पार्ट के पश्चिमी भाग के अंदर वॉल्केनो वॉल्केनिक जो इसको बोलते हैं रॉक्स हैं वो फिशर इरप्शन से है, तो वहां पर वॉल्केनिक रॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल उसी एरिया में मिलेगा जिस एरिया के अंदर आपकी वॉल्केनिक सॉइल यानी उसी वॉल्केनिक रॉक्स मिल रही। रेड सॉइल बाकी का सारा पेनिनसुलर एरिया में मिलेगी क्योंकि बाकी पेनिनसुलर एरिया में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से इसका कलर रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो इस वजह से इस एरिया के अंदर आपके पास जो सॉइल मिलेगी वो रेड सॉइल वाला एरिया है, आप यहाँ रेड सॉइल का एरिया मार्क कर सकते हैं। अब हमारे पास बचते हैं दो कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में रिवर्स के डेल्टास हैं। डेल्टा एरिया में आप जानते हैं कि रिवर्स बहुत ज्यादा डेपोजिशन करती हैं, अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लाई होती हैं
वो सारे वहां डिपॉजिट कर देती है। इस वजह से वो डेल्टाइक एरिया के अंदर भी एलुवियल सॉइल मिले, तो वो एरिया भी आपका एलुवियल सॉइल का ईयरमार्क एरिया हो जाता है। तो मेनली हमें ये देखना है कि हम उस जो एरिया की टॉपोग्राफी है वो किस तरह की है, उस एरिया के अंदर लैंड स्ट्रक्चर किस तरह का है, लैंडफॉर्म किस तरह का है। प्लेन एरिया है तो चांसेस हैं कि इस एरिया के अंदर एलुवियल सॉइल जरूर मिले। बट प्लेन एरिया राजस्थान के अंदर भी है, वहां सैंडी सॉइल है, एरिड सॉइल है, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। एरिड सॉइल को मार्क करते समय आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर ड्राई एरिया है, यानी ड्राई सॉइल है, रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होती है तो सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट्स ज्यादा होंगे और सॉइल के अंदर सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से ये एरियाज में आपको एरिड सॉइल का एरिया मार्क करना। तो ये आपको एक तरह से जब भी हम मैप पे इंटरपोलेशन करें, किसी भी एरिया को मार्क करें, तो हम उसकी टॉपोग्राफी को, हम उस एरिया की सारी क्लाइमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी ध्यान में रखें। जी, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा सॉइल्स के बेसिकली अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें, सॉइल प्रोफाइल होता है बेसिकली कि सॉइल के बनने के प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है वो बहुत फाइन क्वालिटी ऑफ सॉइल पार्टिकुलर मटीरियल से बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स बनी हुई होती है। उससे नीचे की लेयर जो होती है जिसको बोलते हैं सब सॉइल लेयर, सब सॉइल लेयर के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं उनमें कुछ कंकड़ पेबल्स पत्थर ये सब इंक्लूडेड होते हैं। और नीचे चलते हैं तो उस नीचे वाली सॉइल के अंदर आप देखेंगे जिसको हम आप कह सकते हैं कि डेन्यूडेड या इरोडेड पेरेंट रॉक है, जो पेरेंट रॉक जिस वजह से सॉइल बनी है उसका वो इरोडेड हिस्सा है, डेन्यूडेड हिस्सा है, यानी एक तरह से टूटा हुआ हिस्सा। और सबसे नीचे अगर आप उसके भी नीचे जाते हैं तो वहां आपको पेरेंट रॉक मिलता है। तो एक तरह से सॉइल प्रोफाइल जो है वो हमें उस पेरेंट्स की सारी जानकारी बताता है कि उस पेरेंट सॉइल जो हमें मिल रही है वो कहां से किस तरह से फॉर्मेशन उसकी हुई है। जी, ऑफ कोर्स सॉइल की फॉर्मेशन में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इट मे टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स जस्ट टू ऐड 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी की बहुत छोटी लेयर, पतली लेयर बनाने में भी सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने आप हमसे जुड़े और आपने हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से डिटेल में बताया सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। और अपने थैंक यू सर। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि अब हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो कि मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक रहेगा रियल नंबर्स 5 सेकंड। और इससे पहले कि मैं ये सेशन और ये सत्र यहाँ पर वाइंड अप करूँ, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। NCERT टेक्स्ट बुक्स for 2023-24 are available throughout the country. These textbooks may be purchased directly from NCERT sales counter located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. These sales counter will be functional on all the weekdays including all registered holidays, Saturdays, Sundays as well from 9:30 a.m. to 6 p.m. You may also place order for the books online from our website, that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fees. And if you want a soft copy of the books in PDF version, it can also be downloaded for free from NCERT, Diksha and ePathshala website and mobile app as well. Please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. With that note, मैं रेणु भट्ट आप सभी से ले लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।